हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स कैसे फाइंड करें किसी जनरल टर्म में जो इस टाइप की हो। तो हमारे पास ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो है आपको इसके अंदर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स की जो है वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि वो कौन सा टर्म है तो शॉर्टकट मेथड से तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो ये जो है बेसिकली उस तरह की फॉर्म के लिए है जो इस फॉर्म में है, ए एक्स की पावर पी प्लस माइनस आर अपॉन बी एक्स की पावर क्यू की होल पावर एन। तो इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट टर्म का इंडिपेंडेंट जो टर्म आएगी वो कौन सी होगी आर बराबर में, तो आपको इसके अंदर ऐसे लिखना है आर बराबर में एन इंटू पी अपॉन में पी प्लस क्यू। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सिक्स टर्म आ गई तो वो जो है इस वैल्यू से आ जाएगी, आर की वैल्यू सिक्स आ गई तो जो है हमारी वो सेवन टर्म हो जाएगी इंडिपेंडेंट टर्म, और आर की वैल्यू फाइव आ गई तो वो सिक्स टर्म हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है, अब आपको ये थोड़ा अलग कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा कि ये जो है इस फॉर्म में कैसे है, तो आप इसको जो है रीअरेंज करके देखिए। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को यूँ कीजिए, एक्स की पावर वन बाई टू प्लस में रूट थ्री अपॉन टू इंटू में एक्स स्क्वायर की होल पूरे का पावर मतलब कि टेन। तो अब आपको इसके अंदर क्या देखना है कि ये वन बाई रूट थ्री जो है ये हो गया ए, और ठीक है एक्स की पावर ये हो गई पी, और ये हो गया आर, और ये जो है टू वो हो गया बी, और ये एक्स की पावर क्यू हो गई तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई टू। आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको इनमें सब की वैल्यू ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, आर बराबर में एन इंटू पी अपॉन में आर एन इंटू पी अपॉन में पी प्लस क्यू। तो देखिए हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, ये टोटल पावर एन की पावर होती है, तो एन की वैल्यू है टेन इंटू में पी की वैल्यू आपको पता है वन बाई टू है अपॉन में पी प्लस क्यू, तो वन बाई टू प्लस में टू, ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो जो है हमारी इंडिपेंडेंट टर्म है। तो ये देखिए फाइव अपॉन में ये आ गया फाइव बाय टू, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी टू। तो इसका मतलब जो है आर की वैल्यू टू है, तो इसका मतलब है थर्ड टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। रुकिए, मैं आपको एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालें। तो जो है सबसे पहले तो देखिए इसी फॉर्म में होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर नहीं है तो आपको थोड़ा रीअरेंज करके इस फॉर्म में लाना है, ए इंटू एक्स की पावर पी प्लस माइनस आर अपॉन बी इंटू एक्स की पावर क्यू की होल पावर एन। तो इसका जो है इंडिपेंडेंट जो टर्म आएगा वो आएगा आर बराबर में एन इंटू पी अपॉन में पी प्लस क्यू। तो हमें ये क्वेश्चन है रूट एक्स अपॉन थ्री प्लस में रूट थ्री अपॉन टू इंटू एक्स स्क्वायर इसका पूरे का पावर टेन। तो आपको क्या करना है, देखिए x की पावर यहाँ वन बाई टू अलग करनी है क्योंकि ये मतलब कि अंडर रूट है, तो ये वन बाई टू अलग आ जाएगी और वन बाई रूट थ्री अलग आ जाएगा, प्लस में रूट थ्री बाई टू तो हमारे को अलग दिख ही रहा है, और इंटू में एक्स स्क्वायर टू के साथ। तो a जो है यहाँ पे देखिए इससे कंपेयर करिए, a जो है वन बाई रूट थ्री हो गया और p जो है वन बाई टू हो गया, और देखिए यहाँ देखिए रूट थ्री हो गया r, और जो टू है वो हो गया b, और x की पावर टू जो है वो हो गया q। तो हमारा जो आंसर था वो क्या था, r बराबर में n इंटू में p अपॉन में p प्लस क्यू। एन जो है ये जो टोटल टर्म है मतलब कि ये जो पावर वाली जो टर्म है, तो n क्या है इसमें n इंटू पी अपॉन पी प्लस क्यू, एन जो है टेन है, p है वन बाई टू, और अपॉन में वन बाई टू प्लस में q जैसे कि हमने देखा वो है टू। तो इसकी वैल्यू जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो टू आ गई आर की, तो इसका मतलब आर की वैल्यू टू आ गई, तो इसका मतलब क्या है थर्ड टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। और अब आप जो है जनरल फॉर्मूले से जो है इसकी जो आंसर निकाल सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, और वो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यार यही थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और प्लीज़ यार अगर ऐसी और ट्रिक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।